अपने आप को तेल डाल के पेट्रोल डाल के अपनी जान दे रहे हैं क्या? हाँ, इनके साथ इतना बुरा हुआ, आप इतना क्यों इतना दे दिया है? बोलना नहीं, बात करो, बात करो, बात करो, बैठे सामने से करना भी बात करते हैं, सामने बात करते हैं। शिल्पा एक एक किसी से पकड़ो जो ऊपर प्रॉपर पूरी बात बताए। हमें इंसाफ चाहिए बस और कुछ नहीं। इन चार लड़कों का लंच कटवाया सोनिया ने, इनको इंसाफ दो बस। ने क्या मसला किया? हम आदत में कर लेंगे अपने आप को बस और कुछ नहीं। डीएचजी के सामने करेंगे। हमें इंसाफ दो, इंसाफ दो बस, इंसाफ दो। Oh,
जहाँ मेरी होगी, दो बार मेरी सरकार होगी। हम लोग बिल्कुल नहीं बोल रहे, मैडम कुछ बोलो, मैडम ने बोला सुनो, मैडम ने हमें आसान किया है। किन्नर किसी के बच्चे नहीं है, इनको किसी माँ ने नहीं पैदा करा। मेरे को देखो ना, वो उसके उसके दो बच्चे हैं, उसकी माँ है और वो किसके पास जाएगी? कंप्लेन एफआईआर लगी, सब कुछ लगा। आज एक महीना हो गया वो ऐसे में पैसा भरे जा रही है, 40-40 लाख, 20-20 लाख दे रही है पुलिस को। हम कहाँ से देंगे? हमें पता है, हमें फोन आता है, हम वहाँ पर पुलिस को हमें खुद कहाँ से देंगे? हमारे जेलों को खुद कहा जाता है भी आप हमारे से पैसे ले लो, अपना मुंह बंद कर लो। बोलते हैं अपने पैसे ले लो, अपना मुंह बंद कर लो। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। वो क्या चाहिए पैसे ले लो? वो दूसरी पार्टी सोनिया पार्टी कहती है पैसे ले लो। कितने कितने तरीकों वहाँ डेरे में बुलाया गया था हमें? हमें 16 तारीख को डेरे में 16 तारीख को हमें बुला के घर वहाँ पर अंदर दबाव बनाया हमारे चेलों के ऊपर भी आप पैसे ले लो, ये मामला रफा दफा कर लो। आप लोकेशन ट्रेस कर सकती है प्लीज, सोनिया उस दिन शीदी चौक में थी या नहीं थी, और मेरी भी ट्रेस करो, मैं शीदी चौक में थी या नहीं थी। बस हमें अपना इंसाफ चाहिए, बस लगातार ये उनको पूछा पीछे नाम नहीं बोला। मैडम से पूछो, मैडम का आंसर क्या है? हां मैं से पूछो, कुछ हम बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, पूछो मैडम से पूछो, पूछो धरना दे आपको बुलाना है नहीं बुलाना है। ये यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि किन्नरों का प्रदर्शन चल रहा है जम्मू सेक्रेटरिएट के बाहर, और लगातार इनका विवाद पिछले काफ़ी समय से चल रहा है। आपने देखा होगा पहले भी ये सिविल सेक्रेटरिएट के बाहर आए थे, और उसके पहले एक बार जम्मू के विक्रम चौक में ये पूरा मसला हुआ था। लगातार किन्नरों का ये आरोप है कि दूसरा जो गुट है वो कहीं ना कहीं इनके साथ गलत कर रहा है, और पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लगातार उसका विरोध किन्नरों द्वारा किया जा रहा है, और एक बार फिर कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा, सबने पैसे खाए हुए हैं, सब सुन रहे हैं। हम मीडिया के साथ है, मीडिया को बोला हमारे हाथ जोड़ के फिरती है कि चार लड़कों का लिख परिवर्तन करवाए, उनका इंसाफ दो, सचियों का भी इंसाफ दो, जो शिविर की आई है। साफ तौर पर इनका यही कहना है कि इनके ऊपर कोई इनके लिए कुछ पुलिस कर नहीं रही है, और हालांकि पहले भी इनको जो आए थे ये लोग, इन्हें गिरफ्तार किया गया था। अभी फिलहाल
सेक्ट्रेट से नीचे की ओर ये लोग टूवर्ड शालामार की ओर ये चल रहे हैं और हाथों में इनके जो कई यहाँ पर इन्होंने पोस्टर्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे लिखा है कि पुलिस नॉट कोऑपरेटिव और वी ट्रीट लाइक, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। हाँ एक्शन जरूर होगा, हम उसको संतुष्ट हैं, मैडम ने हमें संतुष्ट किया, हम संतुष्ट हैं, कोई बात नहीं, शाम तक देखते क्या होगा, प्लीज चलो। तो आप अगर उन्होंने बोला तो अपना प्रदर्शन खत्म कर दीजिए ना, फिर अभी कोई कर रहे हैं, अभी प्रदर्शन कोई ना होगा, हम अपने इंसाफ चाहते हैं। मैडम बोलो, वर्कर साहब नीचे जाओ, वर्कर साहब नीचे जाओ, वर्कर साहब। यहाँ से इन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्द इनके ऊपर जो है इनके मामले की सुनवाई होगी और जिस तरह का ये इंसाफ मांग रहे हैं वो होगा, लेकिन फिलहाल प्रदर्शन कह रहे हैं कि इन्होंने अब खत्म कर रहे हैं, वापसी अपने डेरे की ओर जहाँ पर इन लोगों का डेरा है वहाँ पर ये लोग जा रहे हैं। और साफ तौर पर लंबे समय से लगातार जो किन्नर समुदाय है जम्मू का, ये दूसरा जो इनका समुदाय है रामगढ़ का, उनके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग यही कर रहे हैं कि उन पे कार्रवाई हो। पुलिस ने आश्वासन दिया है और बार बार इस तरह के प्रदर्शन हो, कहीं ना कहीं पुलिस कोई एक्शन शायद नहीं ले रही है, इस वजह से पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। नहीं, नहीं, कुछ नहीं ले रही है। इससे पहले जब आपने दो बार प्रदर्शन किया पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया, दूसरे जो डेरे वाले हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं कार्रवाई की उनको, कोई हमें इंसाफ चाहिए। अभी क्या बोला यहाँ पर जो पुलिस वालों ने क्या बोला, इंसाफ देंगे, अब देख अगर नहीं देंगे तो इन्होंने कुछ ऐसा पदार्थ अपने ऊपर, आपने अपने अपने ऊपर क्या डाला आपने? हमने मिट्टी का तेल डाला हुआ, डीजल डाला हुआ। मतलब आप अपने खुदकुशी करने को तैयार हैं? हमें इंसाफ दीजिए, तभी डीआईजी से हमने बोला कि हमें इंसाफ दो, वो नहीं मान रहे, तभी हमने आग लगाई अपने आप को। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवानी जी। शिवानी है और इन्होंने अपने कपड़ों पे जो है जलनशील पदार्थ डाला है, आपने भी डाला है? हाँ। और अगर आग लग गई तो फिर तो जान मर जाएंगे, फिर क्या हुआ, मतलब मरने को जाएंगे तो तैयार हैं, मर जाएंगे और क्या, जान ही दे देंगे। मतलब ये लोग साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये लोग जान भी देने को तैयार हैं। इससे पहले भी कई प्रदर्शन, हालांकि इन्होंने अपने अपने कपड़ों के ऊपर इन्होंने केरोसिन पेट्रोल डाल दिया था, हाथों में माचिस की इनके डब्बी रखी हुई थी आग लगाने का भी था। सारे में केरोसिन डाल रखा है और माचिस की तीली डाल के बस आग लगानी बाकी है, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे और क्या। पुलिस कह रही है ना हम आपको देंगे इंसाफ, अभी आपके साथ चल रहे हैं। ये किन्नर समुदाय साफ तौर पे जम्मू सेक्रेटरी के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने अभी इन्हें आश्वासन दिया है कि आपके मुद्दे को सॉल्व आउट किया जाएगा जल्द से, लेकिन बहुत सारे इनमें से किन्नर हैं जिन्होंने खुद के ऊपर पेट्रोल जो है छिड़क लिया था कि आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन खैर ये किस्म का प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट करने का तरीका था और पुलिस को जगाने का प्रयास था। पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं जो रामगढ़ का एक किन्नर समुदाय है उसके ऊपर कि उनके कुछ इनके कुछ लोगों ने के प्राइवेट पार्ट्स जो हैं उन लोगों ने थ्रू मेडिकल प्रोसेस के वो करवा दिया, ऑपरेशन करवाया, और ये लोग लगातार उसके लेकर विरोध कर रहे हैं कि इन पे कार्रवाई हो, उन पे कार्रवाई हो, लेकिन उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर ये लगातार सड़कों पर है। पिछले काफ़ी देर पहले विक्रम चौक में भी आए थे, उसके अलावा सेक्रेटरी में प्रदर्शन कर चुके हैं और आज एक बार फिर सेक्रेटरी के बाहर आए हैं। और जम्मू के अगर हम खबरों की बात करें तो खबरों में लगातार इस तरह से जो किन्नरों का प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस के लिए ये कहें कि एक बदनामी का सबक सामने आ रहा है कि किन्नर समुदाय बार बार सड़कों पर आ रहा है और लोगों के सामने एक तमाशा बन रहा है पुलिस का। हालांकि अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो इस पर कोई ये लोग प्रदर्शन करना बंद कर देंगे, लेकिन जितनी बार ये लोग आते हैं आश्वासन देके इन्हें वापस भेज दिया जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है, अभी आश्वासन दिया, देखना क्या ये होगा कि अब इन पर कोई कार्रवाई होगी या फिर ये लोग सेक्टर के बाहर आके यहाँ पर इस तरह का प्रदर्शन करेंगे और कहीं ना कहीं पुलिस की बरखिलाफी होगी। लगातार पुलिस के खिलाफ जम्मू में मामले जो हैं वो उठ रहे हैं, खासतौर पर अगर मीडिया की बात हो, मीडिया पर हमले, उस पर भी पुलिस पर कहीं ना कहीं एलिगेशन लग रहे हैं। अगर किन्नर समुदाय कोई भी हो, सभी लोग कह रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो यहाँ पर पुलिस को अपना रोल जो है वो सुनिश्चित करना होगा, क्या वो जनता के फेवर में है या जनता के अगेंस्ट में है। विजिलेंस शिल्पा ठाकुर के साथ वॉइस ऑफ स्टेट टाइम्स जम्मू।